अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो मैं उसको कैसे रिपेयर करना है और कैसे चेक करना है, आपको स्टार्टिंग रिले का करंट कैसे चेक करना है उसके बारे में बताऊंगा इंजन रूम में। ठीक है, अपनी स्टार्टिंग रिले लगी होती है उसके लिए कि मैंने डायग्राम भी बनाई है, आपको इसकी भी समझाऊंगा। और ये अपना रिले बॉक्स है, इसमें इसको हम खोल लेंगे। खोलने के बाद ये लिखा हुआ है ST, ये अपनी स्टार्टिंग रिले होती है। ठीक है, इसके हिसाब से ये वाली अपनी स्टार्टिंग रिले है। इसमें हमें कैसे करंट आता है, गाड़ी कैसे अपनी स्टार्ट होती है, अगर ख़राब हो जाए तो हमने कैसे कैसे हाल्ट का पता करेंगे वो बताऊंगा आपको। इसमें 4 पिन है, इसमें जब करंट जाता है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ये इन वायरों में करंट अपना अंदर से आता है और यहाँ से करंट घूमता है, इसको हम चेक करेंगे यहाँ से। ये देखो ये 4 पिन है, अब इसमें हम बल्ब लगाएंगे और चेक करेंगे इसमें कौन सी वायर में करंट आ रहा है, कौन सी वायर में ग्राउंड आ रहा है। सबसे पहले हम इसमें वायर लगाएंगे, इस पिन में लगा के उसके बाद हम वायर यहाँ लगा देंगे। ये देखो अभी कुछ नहीं आ रहा, क्लच दबाइयो, इस वायर में करंट अपना ग्राउंड आता है, करंट हमने दे रखा है यहाँ से, ग्राउंड आता है क्लच स्विच से। क्लच छोड़ दो, फिर दबाओ क्लच, क्लच छोड़ दो, क्लच स्विच से आ रहा है। अगर मान लो यहाँ आपका इस वायर में करंट नहीं आ रहा, ग्राउंड नहीं आ रहा, तो आप समझ लेना कि आपका ग्राउंड इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपका क्लच स्विच अंदर से काम नहीं कर रहा। तो आप क्लच स्विच को चेक करोगे अंदर की साइड। और ये दूसरी वायर है, ये वाला दूसरी पिन है, तो इसमें आप लगाओगे, इसमें अपना आएगा करंट। ठीक है, इसको हम देंगे ग्राउंड, ये अपना चाबी जब हम घुमाएंगे तब आएगा इसमें। चाबी घुमाइयो, देखो चाबी छोड़ दो, घुमाओ चाबी, छोड़ दो, ये अपना चाबी से ऑपरेट हो रहा है। अगर मान लो ये नहीं आ रहा तो हम जब चाबी घुमा रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम है, आपको वहाँ अंदर चेक करना है, यहाँ से आपका ओके मिलेगा क्योंकि यहाँ अगर करंट नहीं आ रहा तो वहाँ प्रॉब्लम मिलेगी। और दूसरी अपनी 4 वायरें और हैं, ये वाली वायरें हैं। ठीक है, इनमें भी हम करंट चेक करेंगे किस में करंट आ रहा है, किस में ग्राउंड आ रहा है। ठीक है, इसमें एक वायर में अपना डायरेक्ट करंट आता है जो 24 घंटे डायरेक्ट ही रहता है, तो हम इसमें वायर लगा लेंगे। इसमें वायर लगा के पहले हम करंट चेक करेंगे, करंट आ रहा है नहीं, ये क्योंकि इसमें ऑलरेडी डायरेक्ट करंट है तो हम इसको ग्राउंड देंगे। देखो ये ग्राउंड डायरेक्ट करंट आ रहा है। और ये दूसरी वायर है, दूसरी पिन है, उसमें लगाएंगे, इसमें आपको ओनली ग्राउंड शो होगा लेकिन इसमें ग्राउंड नहीं आता, ये सेल्फ के साथ अटैच है, तो इसमें जो अपना करंट है वो घूम के इसमें चला जाता है। देखो ये अपना एक क्लच स्विच हो गया, क्लच स्विच से करंट आएगा, एक चाबी घुमाने से आएगा और एक में पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव घूम के इसमें चला जाएगा जिससे अपनी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अब हम यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट करके देखेंगे गाड़ी को इस वायर से। ठीक है, चाबी अपनी अंदर से ऑन है तो हम क्या करेंगे, एक पिन यहाँ लगा लेंगे, तो एक पिन यहाँ लगाएंगे तो अपनी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन चाबी अंदर से अपनी ऑन होनी चाहिए। अब बंद कर दो, देखो अब चाबी अपनी बंद है, बंद रहने दो चाबी। अब मैं इसको लगाऊंगा, सेल्फ तो लगेगा लेकिन स्टार्ट नहीं होगी, ये देखो स्टार्ट नहीं हो रही। ठीक है, और चाबी ऑन कर दो, अब ऑन कर दी, अब लगाएंगे तो यहाँ से गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, बंद कर दो। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको एक वायर और बता देता हूँ स्टार्टिंग की अपनी। ये अपनी जो येलो कलर वाली वायर है, ये अपनी स्टार्टिंग की वायर है, इससे गाड़ी अपनी डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन इसके लिए भी चाबी अंदर से ऑन होनी चाहिए। इसको आप यहाँ पे लगा के बैटरी पे लगा दोगे तो आपकी गाड़ी सेल्फ लगेगा, अगर चाबी ऑन कर दोगे अंदर से तो अपनी गाड़ी स्टार्ट भी हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको फ्यूज बता देता हूँ, इसके 2-3 फ्यूज स्टार्टिंग वाले। एक तो ये वाला 5 एम्पीयर ST स्टार्टिंग का ये वाला फ्यूज है। ठीक है, तो और एक ये अपना 50 नंबर का ये फ्यूज है इग्निशन का, अगर ये फ्यूज उड़ जाए तब भी अपनी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। एक अपना ये 30 एम्पीयर का फ्यूज है स्टार्टिंग का ये वाला, अगर ये उड़ जाए तब भी अपनी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, और इसके अलावा एक ये *1 का फ्यूज है, ये एक अपना इग्निशन कोयल और फ्यूल वाली वायरों को करंट भेजता है, अगर ये अपना फ्यूज उड़ जाए तो भी अपनी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, तो इसको भी चेक करना है। ये *1 का फ्यूज है हमारा, ये 15 नंबर का फ्यूज है, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा जी कौन सा फ्यूज है, तो ये अपने गैसोलिन पेट्रोल *1 लिखा हुआ है, इसमें 15 एम्पीयर FI मेन का फ्यूज है। ठीक है, ये आपने चीज़ें चेक कर लेनी है। बाकी और प्रॉब्लम आए तो और भी मैं अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं, आप उनको देख सकते हो। बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल की वीडियो को चैनल को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।